विष्णु कहते हैं कि इस जंतु को मेरे जैसा आप रूप प्रदान करें, और तत्क्षण उसी क्षण क्या हुआ, तन्मध्य भृगुलंच नो गरुड़ पीतांबरो निर्गत, उसी समय उस गंगा जी के अंदर से मणिकर्णिका घाट के अंदर से एक पुरुष बाहर निकला। वो कैसा था, भृगुलांचनो, उसके सीने में भृगुलांचन था। भृगुलांचन यानी भगवान भृगु जो हुए वो भृगु ऋषि के पद चिन्ह का निशान उनकी छाती में था। अब देखिए ये भृगुलांचन क्यों है और भगवान ने इसे क्यों धारण किया है, इसकी कथा पुराणों में है। ये भृगु ऋषि गुजरात में हुए, आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूं। गुजरात में तीन महत्वपूर्ण विभूतियां हुई है, उसमें एक जो भृगु ऋषि जिसे आज आप भरूच कहते हैं उसका नाम है भृगु कच्छ। वो भृगु कच्छ का मुसलमानों ने बदलकर कर दिया भरूच। जहां भृगु कच्छ का मुसलमानों ने किया भरूच, आप जहां बैठे हैं वाराणसी, मुसलमानों के आने के कारण वाराणसी हो गया बनारस। ये वाराणसी जैसे बनारस हुआ, प्रयागराज जैसे इलाहाबाद हुआ, साकेत जैसे फैजाबाद हुआ, कर्णावती जैसे अहमदाबाद हुआ, वटपतनम जैसे वडोदरा हुआ, सूर्यपुरी जैसे सूरत हुआ, पद्मपुरी जैसे पादरा हुआ, चंडीपुर जैसे चाणोद हुआ, हमारे यहाँ प्रहलादनपुर जो पालनपुर हो गया, खीरपुर जो थराद हो गया, सत्यपुर जो सांचौर हो गया, अरे यहाँ संभाजी नगर जो अहमदनगर हो गया, कई शहरों के नाम बदल दिए गए। अरे हमारे यहाँ बड़ौदा के पास में ही उमिया गांव कड़वा पाटीदारों लेहुआ पाटीदारों की जो कुलदेवी है, वो पाटीदारों की जो कुलदेवी है उमिया गांव उमिया माता के नाम से था, और इन हनाबियों ने उमिया गांव में से ऊ निकाल दिया और उसका नाम कर दिया मिया गांव। अब उमिया गांव में से हो गया मिया गांव। अब जरा सोचिए कई ऐसे शहरों के नाम बदल दिए गए, उसमें ये एक भृगु कच्छ भी है। ये जो भृगु कच्छ है वो भरूच आज का है, वहां पर भृगु ऋषि हुए। भृगु वहां पर एक और भी घटना हुई है, उसका उल्लेख हम आगे करेंगे। यहां तो भृगु ऋषि जो भरूच में हुए, दूसरी एक विभूति हुई भगवान कपिल हुए। कपिल के कारण गंगा का आगमन हुआ, और कपिल ने जहां पर सगर के पुत्रों को भस्मीभूत कर दिया वो तो गंगा सागर बंगाल में है, लेकिन ये कपिल का जो प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ, वो हमारे यहाँ सिद्धपुर में हुआ। गुजरात में सिद्धपुर में कपिल मुनि का प्रादुर्भाव हुआ, करदम और देवहूति के वहां कपिल का प्रादुर्भाव हुआ, वो सिद्धपुर गुजरात में है। और तीसरे जिनका वेदों में शुक्ल यजुर्वेद जिन्होंने दिया है वो याज्ञवल्क, भगवान याज्ञवल्क जिसे कहते हैं, और वो याज्ञवल्क हमारे यहाँ वडनगर जहां से हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, वो वडनगर वो हमारे याज्ञवल्की की भूमि है। तो गुजरात में ये तीन महत्वपूर्ण विभूतियां दी है, भृगु भी है, कपिल भी है और याज्ञवल्क भी है। ये भृगु ऋषि जो हुए, ये भृगु ऋषि कोई सामान्य नहीं है। हमारे यहाँ भगवान भृगु ने अपने ही देवताओं और ऋषियों ने एक बार तय किया कि जो ये त्रिदेव हम जिसको मानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उनमें से अच्छा बड़ा सरल सत्यवादी कौन है, ये जरा परीक्षा करनी है। और सबसे बड़ा कौन है कैसे मानेंगे, तो सबने दायित्व दिया गया और भृगु से कहा गया आप जाइए और इनकी परीक्षा लीजिए, इनमें अच्छा कौन है, बड़ा कौन है, वास्तव में जिनको प्रणाम किया जाए वो कौन है। भृगु ऋषि निकले, भगवान शंकर के पास गए और भगवान शंकर को अनाप शनाप बोलने लगे। भगवान ने कहा प्रभु आप तो आप है, आप यहाँ पर पधारे, कैलाश तक आने का आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, हम आपको प्रणाम करते हैं, मैं तो ब्राह्मणों का सेवक हूँ। जब ऐसा बोला भृगु को बहुत अच्छा लगा, आशीर्वाद दिए, भृगु वहां से निकल गए। देखिए भगवान भी ब्राह्मणों के आशीर्वाद लेते हैं, इसलिए तो भगवान का जन्म होता है, तब किसके लिए होता है, तो तुलसी लिखते हैं हमारे यहाँ विप्रधेन सुर संत हित लिंग मनुज अवतार, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेकर आते हैं, विप्रधेन गायों के लिए आते हैं, विप्रधेन सुर संत हित सुर देवताओं के लिए, संतों के लिए भगवान अवतार लेकर आते हैं। गोद्विज धेनु देव हितकारी, गोद्विज धेनु हितकारी, गोद्विज धेनु देव हितकारी, गोद्विज धेनु देव हित।
हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनु धारी 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 गो यहाँ गो शब्द का अर्थ है वेद, यहाँ गो शब्द का अर्थ गाय नहीं है, क्योंकि गो द्विज धेनु आगे धेनु शब्द आया है, वहां धेनु शब्द का अर्थ गाय है। तो तुलसीदास जी इतने तो हमारे जैसे मूर्ख नहीं थे कि एक ही शब्द दो बार लिखते। तो तुलसी ने लिखा गो द्विज धेनु, मतलब वेदों की रक्षा के लिए। गो शब्द के कई अर्थ हैं, पहले भी आया है। तो गो द्विज, द्विज यानी ब्राह्मण, गो द्विज धेनु, धेनु यानी गाय, गो द्विज धेनु देव हितकारी, और देवताओं की रक्षा के लिए भगवान आते हैं। कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, और स्वयं नारायण ने अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक दीन बंधु दीनानाथ कारण करुणा वरुणालय भूपति भुवनपति छत्रपति मायापति रमापति देवदेव नंदन नंदन यशोदानंदन वासुदेवात्मज श्री कृष्ण बनकर आए या कौशल्यानंदन राम बनकर आए। इस भूमि पर उन्होंने पदार्पण किया, लेकिन ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, वेदों की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए भगवान आते हैं। यहाँ पर भृगु गए, भृगु ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी की परीक्षा ली, ब्रह्मा जी भी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, फिर भृगु ऋषि विष्णु की परीक्षा के लिए क्षीर सागर में गए। भगवान सागर में, क्षीर सागर में सोए हुए थे, लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी, और भगवान जहीं वहीं पर सो रहे थे, भृगु वहां पहुंचे। भृगु ने कहा इनके सामने थोड़ी थोड़ी बात हुई है, थोड़ा उग्रता और दिखाता हूं, क्या असर होता है जरा वो भी तो देखें। और भृगु ऋषि ने क्या किया, अपना पांव उठाया और एक लात भगवान की छाती में मारी, और जैसे ही भगवान विष्णु की छाती में लात मारी, भगवान विष्णु खड़े हो गए और भगवान ने भृगु के पांव पकड़े। अरे भूदेव, हे ब्राह्मण देवता, आप यहां पर आए, आपने मेरी छाती में ये पांव मारा है, शायद मेरी छाती कठोर है, आपके पांव बड़े कोमल है, आपके पांव को दर्द हुआ होगा, लाइए मैं आपकी चरण सेवा कर देता हूं। देखिए भगवान कितने कृपा सिंधु है, वो कहते हैं कि मेरी छाती वज्र जैसी कठोर है और आपके पांव तो बड़े कोमल हैं, मैं आपकी चरण सेवा कर देता हूं। यही भगवान को जो लात मारी, अब भृगु तो शर्मिंदा हो ही गए। भृगु ने कहा विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ है, वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर भगवान ने कहा भृगु जी आपने जो लात मारी है, मैं आज नहीं जन्म जन्मांतर तक केवल मेरे शरीर में नहीं, यहाँ पर जब जब मेरा अवतार होगा मैं यहाँ आपका चिन्ह धारण करूंगा, और भृगु के पद का चिन्ह भगवान ने अपनी छाती में धारण किया, इसलिए भगवान का एक नाम हुआ भृगुलांचन। वो भृगुलांचन को धारण करते हैं, यहाँ आचार्य से लिखते हैं तन्मध्य भृगुलांचनो गरुड़ का।